जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो प्यारी संगत, आप सभी दादा गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र सुन रहे हैं, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन एक चीज कहूंगा, हमारा भी हौसला बढ़े कि हम आपके लिए और अच्छा सुनाएं, और अच्छा कुछ बोलें। और वो तभी हो पाएगा कि जब आप पाठ सुनने के साथ साथ, चाहे तो YouTube पर या हमारे WhatsApp नंबर पर कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि पाठ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपना एक बार एक मैसेज एक दिन में ज़रूर डाल दिया करें, ताकि हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती रहे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिख दें कि पाठ में बहुत आनंद आ रहा है। अगर आप में कोई कमी दिखाई दे रही है आपको, तो आप उस कमी के बारे में लिख दें, ताकि हम उसको अगले पाठ में दूर कर सकें। तो आइए आज चतुर्थ दिवस का पाठ प्रारंभ करते हैं, और ये पाठ है उड़ने की सिद्धि। तो बोलिए साचे दरबार की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कहा है दादा गुरुदेव जी को स्वयं की यह अनुभूति है कि अभी उनकी शारीरिक अवस्था 9 वर्ष की ही थी, तो एक दिन आपने सत्संग में यह चर्चा सुनी कि प्राय साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धियां मिल जाती हैं कि मुंह में पान रखकर स्थूल शरीर सहित गगन मंडल की सैर करते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने यह बताया कि पान इत्यादि कुछ नहीं होता, केवल संकल्प शक्ति का यह खेल है। इसमें प्राणायाम की साधना द्वारा सांसों की प्रक्रिया को अवश्य साधना पड़ता है। उनकी यह बात सुनकर आपके मन में यह विचार आया कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जब चाहा जहां चाहा पहुंच जाए। कदम कदम पर शरीर के भारी बोझ को क्यों उठाए फिरें। किंतु उस समय आपको प्राणायाम की किसी ऐसी युक्ति का बोध नहीं था। 9 वर्ष की बात चल रही है, 14 वर्ष में दादा गुरु महाराज जी ने उनको समझाया और आगे की प्रक्रिया दी, लेकिन अभी ये 9 वर्ष की बात चल रही है। और न ही आपने किसी के से इस विषय में कोई जानकारी ली, बस स्वयं ही यह संकल्प लिए बैठ जाते कि अब उड़ूं, बस सांस रोककर शरीर को साध लेते। कुछ काल के अभ्यास के परिणाम स्वरूप आपको अपना स्थूल शरीर कुछ हल्का सा महसूस होता, ऐसा लगता कि शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है, और अधिक साधना करने पर शरीर एक मंजिल ऊपर उठने लगा। अभ्यास की बात है, इस नाम की शक्ति में, इस नाम में इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। एक दिन आप यह साधना कर रहे थे कि लाला नहर प्रसाद जी वे दूसरे कई लोगों ने आपको उड़ते हुए देखा। ये तब की चर्चा है जब लाला जी जिंदा थे, अर्थात गुरु महाराज जी 9 वर्ष की आयु के थे। ये तब की चर्चा चल रही है। दूसरे कई लोगों ने आपको उड़ते देख लिया और शोर मचाया, आप नीचे उतर आए। तदोपरांत उन लोगों ने आपको बहुत डराया धमकाया कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, किसी दिन नीचे गिर पड़ोगे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आपने यह साधना छोड़ दी। विचार मंथन करने पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राणायाम की यह क्रिया बिल्कुल ठीक थी। आप ही की आत्मा ने गुरु बनकर इस प्रक्रिया का ज्ञान दिया, यानी कि आपकी आत्मा ही आपकी गुरु बनकर आपको प्रेरणा दे रही है कि आप खूब भजन अभ्यास कीजिए और साधना प्राप्त कीजिए। जब आपकी आयु बढ़ी तो घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी, पर लाला नहर प्रसाद जी के निधन से मामला ठंडा पड़ गया। फिर कुछ समय बाद
लाला जी की धर्मपत्नी व नातेदारों ने विवाह संबंधी प्रस्ताव आगे बढ़ाया, आपने यहीं रोक दिया। यह अब तक की घटना है जब लाला जी चले गए जिन्होंने पाला दादा गुरु को। उसके बाद उनकी पत्नी ने विवाह की बात सोची और आपने यही प्रस्ताव को रोक दिया, क्योंकि आप तो श्री परमहंस जी केदारघाट काशी वालों से अपनी मनोभावना पहले ही व्यक्त कर चुके थे। आपने उन लोगों का दिल रखने के लिए कह दिया कि शादी के लिए कम से कम 20 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए। अभी आप 17 वर्ष के ही थे। लाला जी के देहावसान के ठीक 3 साल बाद उनकी धर्मपत्नी भी परलोक सिधार गई। पहले माता गई, फिर पिता गए, फिर जिन्होंने पाला वो लाला जी भी चले गए 14 साल की आयु में, और अब 17 साल की आयु में जिन्होंने पाला वो माता भी चली गई। अपनी पालक माँ के देहावसान से आपको बहुत दुख हुआ। आपने ही उनका अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म किया। नियमानुसार अंतिम शोक दिवस पर सगे संबंधी पगड़ी की रस्म के लिए इकट्ठे हुए, किंतु आपने विचार किया कि ईश्वरीय कृपा से अब आप निवृत्त हो, इस ओर आपका कोई दायित्व शेष नहीं रहता। मन में तो शुरू से ही वैराग्य भावना प्रबल थी, अतः गुरुदेव के आंतरिक भेष को प्रकट कर लिया। आप दो दो घरों की समस्त संपत्ति को मालिक के हवाले करके छपरा से बक्सर की ओर चल दिए। दो घरों की संपत्ति अर्थात अपने भी घर की, पाठक परिवार की और लाला जी के परिवार की, दोनों की संपत्ति भगवान को समर्पित कर दी। और कहाँ, अपनी जन्मभूमि छपरा से और घूम निकल गए बक्सर के लिए। मार्ग में अनेक नदियां व घने जंगल पड़े। बक्सर पहुंचकर आपने पावन भगीरथी में स्नान किया और अपने सभी वस्त्र धोती कपड़ा छोड़कर केवल एक लंगोट धारण कर लिया। पतित पावन गंगा मैया के शुभ दर्शन करके आपको विशेष प्रसन्नता हुई। यहीं पर दादा गुरु ने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। भ्रमण काल का अनुभव। महाप्रभु का फरमान है कि वे बक्सर से अकबरपुर की ओर चले। सावन भादों का महीना था, वर्षा की भरमार। आप जब बक्सर से अभी 1.5 कोस आगे बढ़े ही थे कि मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप धान के खेतों में कमर तलक पानी भर गया। आप उस घनघोर वर्षा में भीगते भीगते एक पास के गांव नोहट्टा पहुंचे। बक्सर के पास एक नोहट्टा गांव, आप वहां पहुंचे। आप उस समय वैराग के मजीठे रंग में रंगे हुए थे, इसलिए किसी स्थान विशेष पर न जाकर एक भूमिहर ब्राह्मण के घर के सामने स्थित पक्के कुएं पर ही बैठ गए। एक लंगोट में वस्त्रों का त्याग हो गया। उस भूमिहर ने आपको देखकर भी अनदेखी कर दी, कुछ ध्यान नहीं दिया। उसमें सत्संग अभिलाषा व धर्म रुचि का भी अभाव था। स्वभाव में भी कठोरता महसूस होती थी। जब वर्षा थम गई तो गांव के स्त्री पुरुष कुएं पर पानी भरने आए। किसी ने आपकी ओर ध्यान न दिया और आप भीगी लंगोटी बांधे वहीं बैठे रहे। भूमिहर के नाम एक सिपाही सरकारी आदेश लेकर आया। खूब डांट डपट की उस किसान के घर, जिसने दादा गुरु को नहीं देखा, कोई तवज्जो नहीं। खूब डांटा डपट की और उसे बलपूर्वक साथ ले जाने लगा। ब्राह्मण ने बहुत विनती की कि और 15 रुपये रिश्वत के रूप में भी देने चाहे, किंतु वह न माना। भूमिहर की दयनीय अवस्था को देखकर हजूर के मन में दया भावना उमड़ पड़ी दादा गुरु महाराज के, और आपने सिपाही से पूछा, जरा आदेश पत्र तो दिखाओ। उसने सोचा अनपढ़ से लगते हैं और कागज दिखा दिया। उसमें लिखा था कि किसी अपराध के सिलसिले में 2 दिन के अंदर अदालत में पेश होना आवश्यक है, यदि न पहुंचे तो जुर्माना हो सकता है। दादा गुरु ने पढ़ लिया। आपने सिपाही से कहा कि केवल पत्र पर सूचना प्राप्ति करवा कर ले जाओ। ये सब बातें सुनकर भूमिहर बहुत प्रसन्न हुआ। परिणाम स्वरूप उसने आपकी बहुत सेवा टहल की, क्योंकि पुलिस से बचा दिया।
स्वादिष्ट भोजन और बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था तुरंत कर दी और जैसे शिष्य गुरुदेव का सम्मान करता है वैसा ही व्यवहार उसने किया। उसने सिपाही की ओर तनिक ध्यान न दिया, आपने अपने भोजन में से ही सिपाही को खाने व ओढ़ने को दिया। इस विचार चिंतन में पड़ गए कि हमारे कारण इस बेचारे का काम नहीं बन पाया, पुलिस को रिश्वत मिल जाती, नहीं मिली। दिगंबर बेस, अब दादा गुरु महाराज जी पूर्ण नग्न कब हुए? आप उस ब्राह्मण के अनुरोध पर दो दिन नौहट्टा में ही विराजमान रहे, फिर गांव वालों ने बहुत सम्मान पूर्वक पालकी में बिठा कर विदा किया। चूंकि वैराग्य अवस्था की पराकाष्ठा भी थी इसलिए थोड़ी आगे चलकर आपने लंगोट भी त्याग दी, लंगोट को भी उतार फेंका और बिल्कुल दिगंबर भेष में आ गए। आप डेरी घाट होते हुए दक्षिण की ओर बढ़े वे तलोथू नामक स्थान पर पहुंच गए। वहां आपका निवास थाने के बिल्कुल निकट था और चारों ओर घने जंगल थे। एक रात आप जंगल की ओर चले गए, वहां एक अद्भुत दृश्य देखा कि लगभग 10 गज व्यास की चांद सरी की रोशनी धरती पर फैली है, किंतु यह न मालूम हो सका कि वह प्रकाश कहां से आ रहा है। दादा गुरु महाराज डेरी घाट होते हुए दक्षिण की ओर चले, कहाँ तलोठू नामक स्थान पर, और थाने के पास निवास स्थान बना लिया बियाबान जंगल में, और जंगल में से भी और जंगल में भ्रमण के लिए चले गए। तो वहाँ देखते हैं कि लगभग 10 गज के व्यास की चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही है, लेकिन किधर से आ रही है ये कुछ नहीं पता, वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है। 2-4 वर्ष बाद कई महात्माओं से पता चला कि वह प्रकाश सांप की मणि का था। आप हजूर तलोथू से अकबरपुर पहुंचे, यहाँ बड़े रमणीक प्राकृतिक दृश्य हैं, सघन वन और पर्वत। आपको यह जगह बहुत भाई और निरंतर 6 वर्ष यहीं विराजमान रहे। कहाँ? अकबरपुर में। कोई मठ झोंपड़ी इत्यादि बनाकर नहीं बल्कि पूर्ण दिगंबर वेश में, कर पात्र तक भी पास न रखा, कुछ भी कोई सामान नहीं। इस अवधि में मौन व्रत धारण किया हुआ था। यहीं पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद का किला है, इसलिए यह स्थान हरिश्चंद गढ़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा भी कथन है कि राजा के सुपुत्र रोहतास ने भी यहाँ राज्य किया था, अतः यह जगह रोहतास गढ़ी भी कहलाती है। चूंकि यहाँ घना जंगल था इसलिए शेर चीते हाथी हिरन इत्यादि वन्य पशु प्राय 2-4 बार आपको दिखाई देते, पर वैराग्य अवस्था के कारण आपको उनसे कोई भय नहीं लगता था और न ही उनसे कभी किसी तरह की तकलीफ पहुंची। एक फारसी भाषा के शेर में यह भाव आता है कि ज्ञानी उसे कहते हैं जो किसी से भयभीत ना हो, और शुद्ध जल की पहचान उसकी निर्मलता से है। दादा गुरु महाराज जी एक लंगोट में आए, एक लंगोट से दिगंबर भेष में आए, और इसी प्रकार अपने आगे की यात्रा करते चले गए। समय हो चुका है, हमारा ध्येय यही है कि 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में ही हम आपका समय लें और आपको थोड़ा थोड़ा रोज सुनाएं ताकि आपको समझ आता रहे। अभी आपने उनके आगे की यात्राओं का बहुत वर्णन सुनना है, आप दिल से सुनते रहें और हम दिल से आपको सुनाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दया।